है मेरी तिरुपति बालाजी की ट्रिप, जो कि हमने 4 महीने पहले से रिजर्वेशन किया हुआ था और मैं बहुत एक्साइटेड थी कब 12 अप्रैल आएगी और हम लोग जाएंगे। और इतना लंबा सफ़र, मतलब टाइम लग रहा था ये कि पता नहीं कब आएगी 12 अप्रैल। और हम ये अपनी गाड़ी से अल्टो से आगरा गए थे और ये हम आगरा पहुंच चुके हैं। बरेली से हम 2 बजे निकले थे, 2:15 बजे, और फिर बदायूं में शिखा को और आशीष को वहाँ से पिक किया लगभग 4 बजे, और फिर एटा पहुँचे 6 बजे, वहाँ से अक्षय भैया को और मामी जी को पिक किया, और 7:45 बजे वहाँ से निकल के हम आगरा पहुँच गए थे। और मैं बहुत एक्साइटेड थी अपनी तिरुपति बालाजी की ट्रिप को लेकर, मेरे बेटू का मुंडन था ये। और ये हम फिर आगरा कैंट पहुँच गए हैं। आगरा कैंट से हमारी ट्रेन थी 10:25 पे, और ये आगरा कैंट में हम अंदर जा रहे हैं। और फिर ये जो गाड़ी थी अक्षय भैया के मामा जी के यहाँ पे खड़ी की थी हमने, तो भैया और उद्यान वहाँ पे गाड़ी खड़ी करने गए हुए हैं, और हम लोग ये अंदर एंटर हो रहे हैं। हमारा सारा सामान ये लोग अंदर रखवा गए थे। ये आगरा कैंट की आप कंडीशन देख रहे हैं, कितनी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ हो रखी है। सब पैसेंजर्स ऐसे बैठे हुए हैं, अपनी अपनी ट्रेन का वेट कर रहे हैं। हमारी ट्रेन का टाइम 10:25 का था, लेकिन 10:40 को आ गई थी। और ये हम सेकेंड एसी वेटिंग रूम में वहाँ पे बैठ के अपना ढेर सारा लगेज लेके, ये देखिए हमारा लगेज आप देख रहे हैं, मामी जी शिखा इधर बैठे हुए हैं, और ये है हमारा लगेज, और ये दीदी, ये छोटू सा मेरा बच्चू बेटू, ये आशीष है, और ये देखिए सामने शिखा बैठी हुई है, मामी जी, और फिर ये मैं। मेरा बेटू तो रुक ही नहीं रहा था, वो तो नीचे ही भाग रहा था, उसे था कि बस मैं नीचे उतर जाऊँ और घुटने घुटने ये लोग मुझे चला दें। और मामी जी से मैंने दाल मंगाई थी बेटू की, घर से मम्मी से भी लेके आई थी, और बेटू को ये दाल पिलाते पिलाते हम लोग वहाँ तक लेके गए। ये देखिए उसकी बुआ उसे दाल पिला रही थी। हमारा ये इतना सारा लगेज है, और ये देखिए हमारा नेशनल फ्लैग जो कि आगरा कैंट के सामने लगा हुआ था। ये मेरे पति और देवर गाड़ी खड़ी करके आ गए हैं, और बेटू बुआ जी की गोदी में सो गया है, बहुत रोया था, और फिर दीदी ने उसे फाइनली सुला भी दिया। और ये देखिए मेरे बेटू की ये जो है ना, ये फर्स्ट जर्नी है ट्रेन की, तो मैं भी बहुत एक्साइटेड थी अपने बेटू के साथ साथ कि मेरा बेटू ट्रेन में कैसे जर्नी करेगा, रोएगा तो नहीं, परेशान तो नहीं करेगा। और ये देखिए फिर हमारी ट्रेन आ गई, और मैं ट्रेन का भी देखिए वीडियो शूट कर रही हूँ। ये थी हमारी केरला सुपरफास्ट, तिरुवनंतपुरम टू न्यू दिल्ली चलती है, और इसका नंबर था 12626। 12 तारीख मीन्स फ्राइडे को हमारी ट्रेन थी, और हमारा कोच V6 बस छुट्टी आने ही वाला है। और मेरे हस्बैंड कह रहे हैं वो हमारा को कोई छीन के ले जाएगा तुम्हारा, ओके ओके रख रहे हैं भाई, मुझे छोटे छोटे यादों के वीडियो तो बना लेने दीजिए। और फिर हम अपने ट्रेन अपने कोच की तरफ अंदर जा रहे हैं अपना सारा लगेज लेके, और फिर हम अपने सब ने अपनी अपनी सीट ले ली है। और देखिए पेट ऊपर बैठा हुआ है मेरा मस्ती करते हुए, शुरू में तो इसने मस्ती करी, फिर बाद में थोड़ा परेशान भी कर लिया था। और ये देखिए सब ने अपनी अपनी पोजीशन अपनी सीट ले रखी है, और ये है हमारा खाने का सामान, और ट्रेन यहाँ से जल्दी आगरा कैंट से। बोले तिरुपति बालाजी महाराज की जय। और फिर रात का तो टाइम था ही, तो हम सब अपनी अपनी सीट पर सोने की तैयारी कर रहे हैं। मुझे बेटू को फीड कराना होता है, इसीलिए मैंने सबसे नीचे वाली सीट ली थी, और बेटू मेरा गिर ना जाए इस वजह से, सेफ के पॉइंट की वजह से भी नीचे वाली सीट मेरे लिए दी गई। ऊपर ये देवर जी सो रहे हैं, ये मेरा भाई, इधर मामी है, ये इधर है मेरी ननद, और ये मेरे हस्बैंड, सबसे नीचे मैं, और सामने वाले सीट पर है मेरी सिस्टर। इसका एक्चुअली रिजर्वेशन झांसे से था, बट ये बदायूं से हमारे साथ आई थी। झांसे से मेरी छोटी वाली बहन आएगी, लगभग 12:30-1 बजे ट्रेन पहुंची थी झांसे, और फिर वो वहां से चढ़ गई थी। और ये देखिए बेटू मेरा मस्ती कर रहा है नीचे, हमने नीचे भी एक प्लेन चादर बिछा दी है जिससे कि ये नीचे भी बैठ के आराम से शैतानी कर ले।
और इसके लिए मैं वैसे भी ढेर सारा सामान बना के घर से ले गई थी कि मटरी है, आटे के बिस्किट हैं, सेरेलैक वगैरह, बनाना, सब किसी को खाने की दिक्कत ना हो। फिर भी बाहर जाओ तो दिक्कत तो होती ही है। और ये देखिए, हम खाते पीते हुए अपनी जर्नी हमने स्टार्ट करी है, और सब इतना खाने पीने को लेके आए थे ना, ऐसा लग रहा था कि कैसे ख़त्म होगा। मैं दाल की कचौड़ी बना के लेके गई थी, नारियल की कतली, मम्मी ने मटरी भेजी थी, मूंगफली के लड्डू और फ्राइड राइस, मामी लेके आई थी भिंडी के साथ पराठे, ढेर सारे खीरे और आटे के लड्डू भी लाई, लड्डू भी लेके आई थी, बिस्किट और तीन तरह की नमकीन तो मैं ही लेके गई थी। इतना खाने पीने को था ना कि कुछ पूछे मत। और हाँ, फ्राई करके परमल भी तो लेके गए थे। ये देखिए बाहर के नज़ारे, छोटे छोटे हम बाहर की वीडियो भी शूट करते हुए चले हैं। और फिर हमने रास्ते में खाई थी भेलपूरी बना के, जो मामी खीरे लेके आई थी, नींबू लेके आई थी, उसको परमल हमें सब मिक्स करके खा रहे हैं। नेताजी चूड़ा लेके आया था ये लोग, ढेर सारे डिस्पोजल भी लेके गए थे हम लोग। ऐसा लग रहा था कि क्या क्या भर के लेके जा रहे हैं हम। और ये फिर देखिए बेटी अपने पापा के साथ मस्ती करते हुए साइड अपर पे, साइड अपर वाली सीट पर, और शैतानी कर रहा है, अपने पापा के पेट पर लेट गया है और इसे मस्ती आ रही थी। और हमने इसके लिए स्वेटर पहना दिया था क्योंकि भाई एसी चल रही थी, हम लोगों को तो इतना ठंड का एहसास नहीं होता, पता नहीं बच्चों को होता है नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसे सर्दी हो ही गई थी रोते रोते। और हमने जो स्वेटर पहना रखा है, पता नहीं बेचारे को गर्मी लगी ठंड लगी, बट अब बच्चा है कुछ कह तो नहीं सकता, जैसा माँ कर दे बस वही ठीक है। लेकिन फिर भी सर्दी हुई तो आई थिंक इसे ठंड तो लगी ही है। ये देखिए मुझे देख रहा है, टाटा टाटा करने की कोशिश कर रहा है। और सबसे नीचे वाली सीट पर इधर मैं बैठी हुई हूँ, बैठी क्या लेटी ही हुई हूँ, क्योंकि जब मिड वाले खुल जाते तो आप बैठ तो सकते ही नहीं है। और ये बेटू साइड में से खड़ा कर दिया था, ये बाहर के नज़ारे ले रहा था, ये देखिए। और फिर अपने बुआ जी के साथ ये कॉम्पिटिशन कर रहा है चीखने का कि भाई कौन ज़्यादा देर तक चीख सकता है। आप हार जाएंगे लेकिन ये लड़का नहीं हारेगा, कंटिन्यू आपको कॉम्पिटिशन देगा। ये देखिए जैसे बुआ कर रही है वैसे ही वो कर रहा है, कॉपी कैट है पूरा बना बनाया। और फिर हम चलते हैं इसके भी आगे, देखते हैं और आगे क्या हो रहा है, क्योंकि ये तो यहाँ पे हारने वाला है। अब देखिए ये अपने चाचू के साथ बैठ गया ऊपर, ऐसे तो भाई पूरे रास्ते सबने खिलाया ही है, कभी चाचू की गोदी, कभी बुआ, मामी, अपनी दादी, मौसी, मामा। ये देखिए शैतानी करते हुए, इसके छोटे छोटे शैतानियों की हमने वीडियो बना रखी है मेमोरी के लिए, बड़ा हो जाएगा तब देखेगा वो मैं ऐसे शैतानी करते हुए गया था। देखिए फुल शैतानी में है ये, और काफ़ी रात हो रही है इस टाइम पे। देखिए टंग तो इसकी बहुत लंबी निकलती है भाई, देखिए देखिए कंटिन्यू शैतानी कर रहा है ये। और भाई हम तो थक गए हैं, सोच रहे हैं भाई ये सोए मैं भी सोऊं, क्योंकि इसे तो मेरे पास ही सोना था ना। ये देखिए सबको देख के खुश भी हो रहा है, ऐसे ही लग रहा था ये छोटा सा घर मेरा कहाँ से आ गया, लोग तो सब हैं अपने लेकिन घर कैसा है ये। देखिए और अब ये मिड वाली सीट पे बैठ गया है अपनी बुआ जी के साथ, शैतानी कर रहा है, और हल्की फुल्की से नींद तो आ ही रही है, बट बेचारा सो नहीं पा रहा है अभी, बट मैंने इसे थोड़ी देर में सुला दिया। फिर हम नागपुर पहुंच गए करीब अगले दिन 12:30 बजे दोपहर में, और फिर मैं तो नहीं उतर पाई थी ट्रेन से, ये सब उतरे ट्रेन से और इन्होंने अपनी छोटी सी वीडियो बनाई और काफ़ी सारे फ़ोटोज़ क्लिक किए। ये भैया गेट पे खड़े होकर अपनी वीडियो बनवा रहे हैं, बाकी ये हम लोग हंसते गाते वीडियो बनाते हुए मस्ती करते हुए ट्रेन में अपनी यात्रा का आनंद ले रहे हैं। ये देखिए भैया ये भी अपनी इतनी लंबी सी टंग दिखा रहे हैं, भाई मेरे भी पास है टंग। और ये मेरे हस्बैंड, ये मेरा बेटू अपनी मौसी के साथ बैठा हुआ, मौसी चिप्स खिला रही है इसके लिए, और वो शांति से चिप्स खा रहा है। तो अभी सो के उठता है ना तो इसकी शक्ल बिल्कुल ऐसे ही होती है, ये देखिए चिप्स खा रहा है वो, और अभी सो के उठा है वो, इस वजह से इतना शांत है, बट ना इतना शांत नहीं है वो, बहुत शैतान है मेरा बच्चा।
आई लव यू मेरा बिट्टू। और फिर इसके बाद हम लोगों ने खूब सारी पूरी ट्रेन में मस्ती की है, सोए हैं, खाया है, क्योंकि खाने का तो हमारे पास था ही ढेर सारा सामान। ये देखिए सामने हमने पूरी टेबल घेर रखी है, पानी है, मटरी है, वहाँ पे लड्डू भी रखे हुए हैं। मामी जी के थोड़े से बीच बीच में कंडीशन ख़राब हो रही थी, वॉमिटिंग भी हो रही थी, और फिर वो लेट गई हैं दवाई लेके। और बेटे अपने मौसी के साथ राधे राधे कर रहा है, राधे राधे, एक्साइटेड है काफ़ी वो भी। और ये मेरा भाई ऊपर फ़ोन चला रहा है। भाई हम सबको तो ये जर्नी याद रहेगी, लेकिन जिसकी वजह से जा रहे हैं उसे तो कुछ नहीं याद रहने वाला भाई, वो तो अभी छोटा है ना, बस उसके बहाने हम सब लोग घूम पा रहे हैं। और फिर से ये वीडियो बार बार शायद अपनी कहाँ से आ गई, एंड आई थिंक दो बार डाल दिया, बट कोई नहीं, हम दो बार भी देख सकते हैं वीडियो को तो। और ये देवर मेरी छोटी बहन टीज करते हैं उसे, और इधर मेरा बेटी राधे राधे करते हुए। चलिए फिर हम अब, ये तो मेरा है पार्ट वन, सिर्फ इसमें मैंने आपके जर्नी दिखाई है बरेली से, जो हम 2 बजे निकले हैं और ट्रेन 10:30 बजे लेके 12th of April 2024 को, 14th of April को 4 बजे इस ट्रेन को पहुंचना था तिरुपति बालाजी, बट ये पहुंची थी 7 o'clock, 3 घंटे लगभग हम लोग लेट थे। बट कोई नहीं, होटल तो हमें 11 बजे पहुंचना था, हम तो सोचे थे और लेट हो जाए भाई। और फिर ये हम तिरुपति जी पहुंच गए हैं, बोलिए जी तिरुपति महाराज की जय, तिरुपति बालाजी महाराज। और फिर हमने वहाँ पर छोटी सी वीडियो शूट की थी वहाँ पे स्टेशन की, और बाकी आगे की जर्नी में आपको पार्ट 2 में दिखाऊंगी अपने होटल की और अपने पूरे जर्नी की, हम कहाँ कहाँ गए, कैसे कैसे गए। और वहाँ पे हम वेट कर रहे हैं अभी कब, 10 बजे 9:10, और फिर हम अपने होटल की तरफ जाएं। और फिर लास्ट में मैंने कुछ फ़ोटोज़ डाल दिए हैं अपने बेटू के शैतानी करते हुए, मस्ती करते हुए। और ये नागपुर पर जो कुछ फ़ोटो लिए थे, ये वहाँ के फ़ोटोज़ हमने कुछ मैंने लास्ट में डाले हैं ताकि याद रहें, क्योंकि मोबाइल का डाटा तो मेरा कभी भी उठ जाता है, और उधर मेरे फ़ोटोज़ में इतनी जगह नहीं है गूगल फ़ोटोज़ में, तो मैं सब कुछ यूट्यूब पे या फिर अपने सोशल मीडिया पे अपलोड कर देती हूँ फ्यूचर की मेमोरी के लिए। और ये देखिए नागपुर पे हम सब ट्रेन से उतरे हैं और सब ने यहाँ पर फ़ोटो क्लिक किए हुए हैं, मेरा भाई है, मेरे देवर है, नंद है, मेरा हस्बैंड है, मेरा बेटू है, मैं हूँ, मेरा बेटू एकाग्र, मामी जी हैं, उसकी दोनों मौसी हैं, और खूब मस्ती कर रहे हैं हम लोग। खैर मज़ा तो बहुत आया ट्रिप में, लाइफ टाइम याद रहने वाली है ये ट्रिप तो, मेरे बेटू की इतनी लंबी फर्स्ट ट्रिप थी। और बरेली से लेकर अगर हम पूरा टाइम लगाएं ना तिरुपति बालाजी तक का, तो आई थिंक हम लोग 42 आवर्स में पहुँचे हैं, 2 बजे से दोपहर के, अगले दिन 7-8 बजे पहुँचे थे होटल। चलिए।